आप देख रहे हैं अलाइव 24। बीएसएनएल अपनाए, देश बचाए और 4G लाइसेंस पर केंद्र सरकार की अनुमति मांग को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसएनएल टेलीकॉम कंपनी को 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस आवंटन न होने की मुख्य मांगों के साथ चार सूत्री मांगों को लेकर लखनऊ के प्रेस क्लब में ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल उत्तर प्रदेश सर्कल की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी मांगों को और केंद्र सरकार के निजीकरण व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। जहां पर बीएसएनएल कंपनी के परिमंडल सचिव आर के मिश्रा ने अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी को जियो का प्रचारक कहा और साथ ही बीएसएनएल कंपनी के घाटे की वजह का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी की निजीकरण नीति को बताया और जिसके चलते इस वर्ष भी कंपनी को 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसके चलते 1,85,000 बीएसएनएल कार्यकर्ता देश भर में आंदोलन करने के साथ साथ बीएसएनएल अपनाओ देश बचाओ नारे के साथ लोगों को जागरूक भी करेंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी के मकसद से हमारे चैनल के संवाददाता खुर्शीद आलम ने की खास बातचीत। देखें पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ अलाइव 24 न्यूज पर। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ के प्रेस क्लब में और आज हम बता दें यहाँ पर ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जो टेलीकॉम को लेकर के है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर भी आए हुए हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा है और इस समय हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए सीधा जुड़ चुके हैं एक कार्यकर्ता ही हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता। सर नाम बताएं आप। आर के मिश्रा, सर्कल सेक्रेटरी बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन। सर आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ जानकारी दी है, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, ऐसा क्या है? जी हाँ, हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन से आम जनता को भी अवगत कराया जाए। किस तरीके का आंदोलन है, थोड़ा सा शॉर्ट? चार सूत्री मांगे हैं, पांच सूत्री मांगे में प्रथम मांग है कि जो बीएसएनएल एक पीएसयू है और पीएसयू होने के नाते 1/1/2017 से बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का वेतन संशोधन किया जाना चाहिए, वो अभी सरकार या मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। नंबर दो है कि पूरे देश के अंदर प्राइवेट कंपनियों को 4G का स्पेक्ट्रम दे दिया गया जिस पे डाटा और अन्य वॉइस या डाटा स्पीड बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी भी बीएसएनएल को 3G पर ही अपना पूरा बिजनेस करना पड़ रहा है और 4G का स्पेक्ट्रम का लाइसेंस सरकार नहीं दे रही है, जिससे हम आम जनता की भी सुविधाओं को ध्यान में रख करके और हम अपने बिजनेस को भी ध्यान में रखकर यूनियनें डिमांड कर रही हैं कि बीएसएनएल कंपनी को 4G स्पेक्ट्रम का लाइसेंस शीघ्र दिया जाए। नंबर तीन है कि बीएसएनएल के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका पेंशन रिवीजन भी किया जाना चाहिए। 1/1/7 में किया गया था, अब 2017 में, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं जो बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका पेंशन रिवीजन रोका नहीं जाना चाहिए और उनका पेंशन रिवीजन किया जाना। चौथी डिमांड हमारी है कि हम लोगों को जो एक पेंशन कंट्रीब्यूशन के नाम पर सरकार पैसा लेती है कंपनी से, वो न्यूनतम वेतन पर लिया जाना चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है। लेकिन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डाट है, दूर संचार विभाग DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, वो हाईएस्ट स्केल पर हमारा कंट्रीब्यूशन लेती है। आपने अभी तक के ये जो अपनी मांगे बता रहे हैं, इनको जो आप बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं या गवर्नमेंट है वहाँ तक के पहुँचाने की कोशिश करी? जी हाँ, हम लगातार 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। हमने पहली स्ट्राइक हमारे कुछ यूनियनों ने मिलकर 27 जुलाई 2017 को किया, 1 दिन की। इसके बाद 2 दिन की स्ट्राइक किया 12-13 दिसंबर 2017 को और अब 23 फरवरी को हम लोगों ने संचार भवन घेरा और 24 उसी घेराव के बदौलत माननीय मंत्री मनोज सिन्हा जी, संचार राज्य मंत्री, ने 24 तारीख को सभी यूनियन और एसोसिएशन के साथ उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद ये आश्वस्त किया कि आपकी सभी मांगे मानी जाएंगी। जी जी। लेकिन खेद है, बहुत ही चिंता का विषय है कि फरवरी में 8 महीने बीत जाने के बाद भी अभी इन 5 मांगों में से एक भी मांग पूरा नहीं की गई। मजबूर होकर के सभी यूनियन और एसोसिएशनों ने ये फैसला लिया कि अब हम पुनः संघर्ष की राह पर चलेंगे। पहला संघर्ष का यह है कि 29 अक्टूबर को, आज के ही दिन, पूरे देश के अंदर सभी जिलों में, सभी राजधानी के हेडक्वार्टर पर हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मांगों के जरिए
कर्मचारियों को और जनता को भी बताएंगे कि सरकार की नीतियां हम लोगों के साथ क्या गड़बड़ कर रही है। क्या लगता है कि जो ऐसी बातें आप तमाम रख रहे हैं, ऐसे में अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, बीएसएनएल कंपनी की फायदे की बात करें, या क्या कुछ इसके बारे में बताएं? हम सभी एसोसिएशन और कर्मचारी लोग हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में भी सोचते हैं। और अभी आप प्रॉफिट है, यस, अभी 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे लोगों के काम से हो रहा है। अभी हम लोग कस्टमर डिलाइट ईयर लगाया, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए कस्टमर डिलाइट ईयर वर्ष मनाया कि हर ग्राहक को खुश रखो। नंबर एक, हम लोगों ने स्वास्थ्य प्रोग्राम सर्विस विद ए स्माइल कि हम मुस्कराते हुए सेवा देंगे। अभी एक तीसरा कार्यक्रम हम चला रहे हैं बीएसएनएल आपके द्वार, हमारे कर्मचारी जो है जा जाके जनता को बता रहे हैं कि ये योजना है, ये लीजिए ये लीजिए। हम इसकी बदौलत आज आपको एक स्मार्ट सर्विस देना, जैसे कि और प्राइवेट जो टेलीकॉम कंपनीज हैं जो जैसे 4G दे रही हैं, स्पीड दे रही हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये लुभावने जो ऑफर हैं वो आप ऐसा कुछ तैयार किए हैं? जी हाँ। और अगर तैयार किए हैं क्या कुछ उसमें आपको हेल्पफुल मिला है, कितना आपको कठिन हो रहा है? यस यस, हम आज ये प्राइवेट कंपनियों को मानना पड़ा है कि BSNL इज़ द ओनली कंपटीटर, केवल हम ही एक उनका कंपटीशन कर रहे हैं। और अभी तो बहुत सारी योजनाएं आई हैं जो प्राइवेट कंपनियां फेल हो गई, और इसका कारण आप देखिए कि अभी मार्च 2018 में और ये जुलाई 18 में BSNL ने सबसे ज़्यादा वो सिम अपना ग्राहक दिया है। और सौभाग्य ये भी आपको जानना चाहिए कि BSNL ही एक ऐसा है जिसके कस्टमर नहीं जा रहे हैं, पैसा रेवेन्यू इसलिए कम हो रहा है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की वो जो वार चल रहा है ना, टैरिफ वार, उसकी वजह से रेवेन्यू कम हो रहा है, इतना कम हुआ है उसमें। और लगभग करीब 8,000 करोड़ इस वर्ष हमारा, करीब 7,000-8,000 करोड़ के उसमें पूरे देश के अंदर। कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए? ये सरकार की नीतियाँ, अब आप देखिए 4G स्पेक्ट्रम नहीं दे रहे, अगर 4G स्पेक्ट्रम देंगे तो हमारा डाटा स्पीड बहुत तेजी से चलेगा। और क्यों लगता है कि नहीं दे रही है सरकार? ये सरकार की नीति है, सरकार की नीति है पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर करो, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाओ। ये तो आप जानते हैं ना, जियो का प्रचार अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है जी? ये तो आप जानते हैं। जनता में आप इस बात को कैसे ले जाएंगे, जनता से कैसे प्रूव करेंगे? हम जनता को ये बताएंगे कि 4G स्पेक्ट्रम से डाटा स्पीड बढ़ती है, हम रैली करेंगे जनता के बीच में। हम जनता के बीच में अभी पिछले दिनों पर्चा बांट चुके हैं, हम रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, जगह जगह जाके हमने जनता को बताया है। और यही कारण है कि आज BSNL के कस्टमर घट नहीं रहे हैं, BSNL के कस्टमर बढ़ भी रहे हैं, हमारे सिम बिक भी रहे हैं। लेकिन जो नेटवर्क है भाई, स्पीड नहीं मिलेगी तो क्यों करेंगे? ये तो एक बात आप हमें ये बताइए, BSNL एक खुद सरकारी एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो फिर सरकार खुद अपनी ही एक सरकारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों कर रही है क्या? ये आप सभी जानते हैं, सारे पब्लिक सेक्टर को निजीकरण किया करने की सरकार की नीतियां बन रही हैं। क्यों बन रही हैं वो आप जानते हैं? क्यों सरकार किसी चीज़ को निजी कर हाथों में देना चाहता है, तो क्यों देना चाहता है, किसे देना चाहता है, क्या है निजी हाथों में निजीकरण? एक मतलब एक अंत तो होगा। हाँ बताएं, पूंजीपतियों को देना चाहता है भाई। अगर BSNL कमज़ोर होगा तो जियो बढ़ेगा, BSNL कमज़ोर होगा तो जियो बढ़ेगा। और जियो किसका है आप जानते हैं, अंबानी का है, और उनको प्रॉफिट होगा। और अंबानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार के एक तरह से चंदा देता है, पैसा देता है, BSNL तो नहीं देगा ना, सरकारी कंपनी है। चुनाव भी है तो आप अपनी मांग को कैसे, मतलब अपनी बात को कैसे मनवाएंगे? चुनावी फायदा उठा, अभी हम लोग 29/10 आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, जनता के बीच में बता रहे हैं। 30 तारीख को कल कर्मचारियों को अवेयर करेंगे धरने के माध्यम से, और 14 तारीख को फिर हम पब्लिक के बीच में रैली करेंगे, हर जिले में रैली करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो स्ट्राइक। आपकी जो ये एसोसिएशन है, जो आपकी मांगे हैं, मतलब कितने लोगों की ऐसी मांग है आपसे जुड़े हुए? 1,85,000, एक पूरे देश के अंदर 1,85,000 सेवारत कर्मचारी हैं, और 3.5 लाख से अधिक हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। इतने लोग इससे प्रभावित, और इनके परिवार प्रभावित हैं। तो आप समझ लीजिए, अगर एक परिवार के पास 5 आदमी बनते हैं तो 20 लाख, मतलब करोड़ों लोग इससे प्रभावित होते हैं। ये तो कर्मचारी, और आम जनता तो बहुत ही प्रभावित है, क्योंकि हर अगर जिस दिन BSNL
बंद होगा या बीएसएनएल कमज़ोर होगा तो प्राइवेट कंपनियां सीधा लूटेंगी और जनता की जेब से पैसा निकालेंगी। और ये आप जानते भी होंगे अगर या पढ़ते भी होंगे कि कुछ दिन पहले 8 रुपया इनकमिंग कॉल प्राइवेट कंपनियां लेती थी, बीएसएनएल की वजह से ही आज इनकमिंग कॉल नहीं, ये टैरिफ वार जो नीचे जा रहा है ये बीएसएनएल की वजह से। अगर बीएसएनएल रहेगा तभी आपको सस्ती संचार सेवाएं मिलेंगी, नहीं तो प्राइवेट कंपनियां भी नहीं देंगी। क्या कहना चाहेंगे इस देश की जनता से? हम चाहेंगे देश की जनता से कि बीएसएनएल को मजबूत करिए, बीएसएनएल बचाएं, देश बचाएं, ये हमारा नारा है, बहुत दिन से है। बीएसएनएल मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, देश की अखंडता, संप्रभुता ये सुरक्षित होगी। ठीक है, तो ये हमारे साथ में बीएसएनएल के वरिष्ठ कार्यकर्ता आर के मिश्रा थे, जिन्होंने कहा कि बीएसएनएल बचाएं, देश बचाएं, और सीधा एक तरीके से इन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए भी कहा है कि वो खुद की सरकारी जो बीएसएनएल कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, उसको 4G स्पेक्ट्रम का मतलब लाइसेंस नहीं दे रहा है, जिससे कि जो बीएसएनएल की सेवाएं हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित तरीके से समाज में या लोगों को नहीं दिया जा सकता है। और अपने इस तमाम मांगों को लेकर के वो आंदोलन भी करेंगे। मैं खुर्शीद आलम, एलाइव 24 न्यूज़, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे एलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।